मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस संसार में हम लोग आध्यात्मिक हैं, लेकिन हम में से कई लोग आध्यात्मिक जीवन बहुत कठिनाई से जी पा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, कई लोग प्रार्थना में सो जाते हैं, आलस्य आ जाता है, मन नहीं लगता है। कई लोगों को प्रभु के बारे में सुनने से अच्छा नहीं लगता, आध्यात्मिकता अच्छी नहीं लगती है। तो आध्यात्मिक जीवन और प्रार्थना का जीवन कई लोगों के लिए बहुत कठिन सा हो गया है, बहुत कठिन सा हो गया है। ऐसा क्यों? मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा। दो शराबियों का किस्सा है। दो शराबी शराब पीने के लिए एक नदी पार करके उस पार गए। छोटी सी नदी थी, लेकिन एक नाव के सहारे जाना पड़ा। तो नाव खेकर उस तरफ चले गए शराब पीने के लिए। शराब पी पी के रात हो गई। रात को आए पी के और नाव में बैठ गए, खेने लगे खेने लगे खेने लगे, लेकिन नाव कहीं नहीं पहुंच रही थी। वे लोग सोचने लगे, भाई इतने घंटों में नदी इतनी चौड़ी हो गई क्या? खेते खेते थक गए तो वे उसी में सो गए। सुबह हुई, धूप मतलब सूरज की किरणें निकली, तब धीरे धीरे होश भी आई और उन्होंने मुड़कर देखा तो देख रहे हैं कि वे लोग अभी भी तट पर हैं। क्यों नाव नहीं चली थी? क्योंकि नाव को उन्होंने जब होश में थे एक पेड़ पर बांध के रखा था। हमारा आध्यात्मिक जीवन भी इसी तरह है। हम लोग भी अलग अलग रूप से बंधे हुए हैं। इसलिए आध्यात्मिक जीवन के लिए दो महत्वपूर्ण आवश्यक बातें हैं। एक है बंधनों से मुक्ति और दूसरा है पवित्र आत्मा का अभिषेक। सबसे पहला है बंधनों से मुक्ति। जब हमें बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी तो हम सीधे प्रभु के पास ही आ जाएंगे। सीधी बात है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, मैं उदाहरण दिया करता हूँ अक्सर। मान लीजिए एक गाय है और उसका बछड़ा है। बछड़े को गाय से दूर आप बांध के रखें तो बछड़ा क्या करेगा? क्या करेगा? रोएगा, माओ माओ माओ, है ना, रोएगा ना। हाँ, तो बछड़े को आप वहाँ से खोल दीजिए, बछड़ा क्या करेगा? कहाँ जाएगा? अपने पूंछ को ऊपर करेगा और दौड़ते हुए अपनी माँ के पास आ जाएगा दूध पीने के लिए। होगा कि नहीं होगा? सीधी सी बात है। जिस समय हम जिन बंधनों में पड़े हैं उन बंधनों से खोले जाएंगे तो हम सीधे प्रभु के चरणों पर ही आएंगे। तो आध्यात्मिक जीवन के लिए या अच्छा सुखमय जीवन जीने के लिए पहला काम है बंधनों से मुक्ति। यहाँ पे अभी तक हर साल दो आंतरिक चंगाई की साधना होती है। मैं सोचता हूँ कि एक साधना अगले साल से जोड़ेंगे, बंधनों से मुक्ति के लिए एक साधना, और दूसरा है आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक। बंधनों से मुक्ति होना काफ़ी नहीं है। कई लोग इस तरह साधना केंद्रों में जाते हैं, अच्छी साधना में भाग लेते हैं और उसके बाद शुद्ध हो गए, शराब छोड़ दिए, वापस आ गए, तो क्या हो जाता है, कुछ समय के बाद, चार महीने के बाद फिर पीने लगते हैं। ऐसे क्यों? प्रभु यीशु ने स्वयं सुसमाचार में कहा है, जब अवधूत एक व्यक्ति से निकलकर बाहर जाता है और कोई जगह नहीं मिलती है तो वापस उसी व्यक्ति के पास आता है और देखता है कि अरे ये तो साफ सुथरा है, कमरा सब साफ है, तो वो जाकर सात और अवधूतों को लेकर आ जाता है। तो सिर्फ बंधनों से मुक्ति काफ़ी नहीं है, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलना अनिवार्य है। इस साधना में हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना का, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलने से ही आप स्वस्थ हो जाएंगे। हमारे आश्रम में बहुत सारे नशेड़ी भाई बहन आते हैं, कुछ महीनों रह जाते हैं। मैं उनसे एक बात कहा करता हूँ, यहाँ रहने से आप सुरक्षित हैं, आप नहीं पी रहे हैं, ठीक है चलिए, ये काफ़ी नहीं है। आपको प्रार्थनामय जीवन जीकर अभिषेक से भर जाना है, वरना गेट से बाहर निकलते ही वो बैठा हुआ है, वो पिलाएगा आपको, मुफ्त में पिला देगा, आपको पैसा देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
बड़े मजे की बात है, शराबी लोग बड़े दानी होते हैं, आ यार पी ले, पैसा नहीं है मेरे पास, तो क्या हुआ हम दे रहे हैं ना, तो शैतान इस तरह रहेगा। ये काफ़ी नहीं है, हमें पवित्र आत्मा से भरना है, अभिषेक से भरना है, और इसी उद्देश्य से ये पवित्र आत्मा के अभिषेक की साधना यहाँ पे चल रही है। आपको ये सुनकर खुशी होगी, 1993 में पहली साधना हुई थी, क्या शिवबच्चन भाई आप भी थे उसमें? 1993 अक्टूबर महीने में पहली साधना हुई थी उस मंदिर में, उसमें कई लोगों को पवित्र आत्मा का गहरा अनुभव मिला था। एक भाई अभी भी हमारे साथ जो उसमें भाग लिए थे, प्रभु को धन्यवाद हो। सिस्टर वेलांगनी को बहुत अच्छा अभिषेक मिला था, बहुत सारे वरदान मिले, वो तो गुजर गई। जॉनी भाई को और भी ज़बरदस्त वरदान मिले थे, वो भी गुजर गए। अभी आशीर्वादम अम्मा है, उसको भी बहुत ज़बरदस्त वरदान मिला उस अभिषेक के द्वारा। तो ये अभिषेक हमारे जीवन को ये बदल सकता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लिखिए, चलिए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, प्रभु येसु के अभिषेक के बारे में प्रभु येसु क्या कहते हैं, कोई ज़ोर से पढ़ना, जहाँ भी बाइबल है ज़ोर से पढ़ेंगे तो हम उसको दोहराएंगे। लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 18 और 19, लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 18 और 19, कोई पढ़िए ज़ोर से। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, प्रभु येसु कहते हैं प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टि दान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। तो प्रभु येसु कहते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता, उसने मेरा अभिषेक किया है। आप जानते हैं उससे पहले प्रभु को क्या करना पड़ा, अध्याय 4 के शुरुआत में क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़िए, अध्याय 4 वाक्य 1 में पढ़िए। हाँ, प्रभु येसु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यर्दन के तट से लौटे, आगे उस समय आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले गया, 40 दिन उपवास और प्रार्थना में बिताए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु येसु ने ये धर्म ये सभागृह में घोषित किया कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता, उसने मेरा अभिषेक दिया है, अभिषेक किया है सुसमाचार सुनाने के लिए, बंदियों को आज़ाद करने के लिए। लेकिन उससे पहले प्रभु येसु को क्या करना पड़ा, 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताना पड़ा। वाक्य 14 में लिखा हुआ है, वह पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर गलीलिया लौटे, पवित्र आत्मा से के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर वापस गलीलिया लौटने के लिए प्रभु येसु को 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना करना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु येसु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना की, उसके बाद पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। येसु की स्तुति हो, येसु की स्तुति हो, येसु को धन्यवाद, येसु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मैंने आपसे कहा कि दो बातें आवश्यक है, पहला है बंधनों से मुक्ति और दूसरा है पवित्र आत्मा का अभिषेक। कई लोग ये शिकायत करते हैं, क्या शिकायत करते हैं, कि मेरे अंदर शांति नहीं है, मेरे परिवार में शांति नहीं है। कई लोग शिकायत करते हैं कि मेरे अंदर टेंशन बना हुआ है, हमेशा तनाव बना हुआ है। कई लोग शिकायत करते हैं कि मैं अपनी आँखों को वश में नहीं कर पाता हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है, मेरी आँखें गंदगी ढूंढती रहती है। कुछ लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मुझे नारियों से लगाव हो जाता है, पुरुषों से लगाव हो जाता है, मैं बंध जाता हूँ।
कुछ लोग कहते हैं कि मैं दूसरों को क्षमा नहीं कर पाता हूँ, कितनी भी कोशिश करूँगा तब भी मैं क्षमा नहीं कर पाता हूँ, ऐसे कई लोग बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता की कमी है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर रहा है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा की अभिषेक की कमी है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा के अभिषेक की कमी है। ध्यान दीजिएगा, इतने साल से मैं पवित्र वचन की घोषणा करता हूँ, आध्यात्मिक जीवन स्वयं जीने का प्रयास करता हूँ, और मुझे आज पता चला है कि हमारी समस्याओं का समाधान पवित्र आत्मा का अभिषेक है। पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा तो क्या होगा? हम आनंद से भर जाएंगे। माता मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ, माँ मरियम जाकर एलिजाबेथ से कहती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, आनंद से भर जाती है। प्रेरित लोग आनंद से इतना भर जाते हैं, प्रेरित पेतरुस और सिलास बंदीगृह में पड़े हुए हैं, प्रेरित चरित अध्याय 16 हम पढ़ते हैं, बंदीगृह में पड़े हुए हैं और उनके ऊपर इतनी बुरी तरह से वे पीटे गए, घायल किए गए, इसके बावजूद वे बंदीगृह में पड़े हैं और बंदीगृह में पड़े पड़े रात के समय क्या कर रहे हैं? नींद नहीं आती है बल्कि आनंद का गीत गा रहे हैं, स्तुति का गीत गा रहे हैं। क्या आनंद है! प्रेरित चरित अध्याय 13 वाक्य 32 में हम पढ़ते हैं, प्रेरित चरित अध्याय 13 वाक्य 32 में हम पढ़ते हैं कि प्रेरित पवित्र आत्मा से और आनंद से भरपूर थे। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको मिलेगा, कुछ भी हो जाए आप आनंद से भरे रहेंगे, आपके अंदर आनंद रहेगा कुछ भी हो जाए। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको मिलेगा, आपके अंदर शांति रहेगी कुछ भी हो जाए। जरा उदाहरण देखिए, अय्यूब का उदाहरण पुराने विधान से। अय्यूब के जीवन में एक के बाद एक विपत्ति आती है, एक एक विपत्ति के बाद कोई ना कोई संदेश देने के लिए अय्यूब के पास आता है, लेकिन अय्यूब टूटता नहीं, हिलता नहीं है। उसके अंदर बहुत पवित्र आत्मा का अभिषेक था। उसकी पत्नी तक आके उससे कहती है कि अब कम से कम अपने ईश्वर को कोसो और मर जाओ, तू जिंदा रहकर क्या करेगा? तेरे बच्चे मर गए, तेरी संपत्ति गई, तेरे नौकर गए, अब तेरा शरीर भी देख। अय्यूब को देखिए, कितना पवित्र आत्मा से अभिषिक्त व्यक्ति है। अभी अय्यूब बोलता है, ईश्वर ने दिया था और ईश्वर ने वापस लिया, ईश्वर का नाम धन्य है। कितनी शांति है! प्रभु येसु नाव में है, शिष्य घबराए हुए हैं क्योंकि नाव डूबने वाली है। प्रभु येसु वचन में लिखा हुआ है, तुम बाल पर तकिया लगाकर सो रहे थे, शायद खर्राटा भी मार रहे थे। क्या शांति है! ये पवित्र आत्मा का वरदान है। फिलिपियों के पत्र में संत पौलुस कहते हैं, ये शांति हमारे समझ के परे है। ये पवित्र आत्मा के अभिषेक का नतीजा है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा, हम जहां कहीं भी हाथ लगाएंगे वहां पे आशीष होगी, हम जहां भी जाएंगे वहां पे आशीष होगी। जिस व्यक्ति में अभिषेक नहीं है, वो जहां भी जाएगा गड़बड़ हो जाएगा, वो कुआं खोदेगा पानी नहीं मिलेगा, वो पेड़ पर चढ़ाएगा गिर जाएगा, वो यहां से गुजरेगा इसको गिरा के जाएगा, वो स्कूल में पढ़ाने जाएगा बच्चे चिल्लाने लगेंगे, वो प्रवचन सुनाना शुरू करेगा बच्चे रोने लगेंगे, कुत्ते दौड़ेंगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा, जहां भी जाएगा वहां पे आशीष मिलेगी। वचन में क्या लिखा? उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 39 में, 39 में वहां पर हम पढ़ते हैं यूसुफ के बारे में, याकूब का बेटा यूसुफ, उसके बारे में वहां पर बार बार लिखा हुआ है, प्रभु उसके साथ था इसीलिए वो जहां कहीं भी जाता था उसको सफलता मिलती थी। प्रभु उसके साथ था और इसीलिए वो जहां कहीं भी जाता था उसको सफलता मिलती थी।
यूसुफ के कारण जहां पर वो काम कर रहा था उस मालिक के परिवार को आशीर्वाद मिला, क्योंकि यूसुफ में अभिषेक था तो पूरे परिवार पर आशीष आ गई। अगर हमारे अंदर अभिषेक नहीं है पूरा परिवार चौपट हो जाएगा। इस आश्रम में रहकर मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी है। अभी मेरे पैर ठीक नहीं है, मेरा पैर ठीक नहीं इसलिए ज्यादा चलता फिरता नहीं हूं, लेकिन जब पैर ठीक था उस समय भी मैं ज्यादा चलता फिरता नहीं था, मैं कमरे में ज्यादा बैठता था। पूछिए इन लोगों से। मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे अभिषेक को बनाए रखना। अगर मेरा अभिषेक बना रहेगा तो सर्वत्र अभिषेक होगा, मुझे पक्का मालूम है। अगर मेरा अभिषेक नहीं बना रहेगा तो मैं जहां कहीं भी जाऊंगा तो वहां पे अशांति अशांति बिखेरता जाऊंगा। तो यहां पर मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे अभिषेक को बनाए रखना, मेरी शांति को भंग नहीं होना चाहिए, मेरे आनंद को भंग नहीं होना चाहिए, मेरी प्रार्थना को भंग नहीं होना चाहिए, तो बाकी सब सही चलेगा। मैं जानता हूं सही चलता है, कुछ कुछ गड़बड़ होता है कोई बात नहीं, शैतान भी तो जिंदा है, वो भी तो काम करता है। तो जहां अभिषेक होगा ये सब होगा, तो अभिषेक होगा तो हमारे जीवन में बहुत फर्क आएगा। हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे बहुत आशीष मिलेगी। यहां पे एक बहुत गरीब आदमी आकर मुझे एक बार उन्होंने कहा कि मुझे साक्षी सुनाना है स्वामी जी। मैंने कहा मौका ढूंढते हैं, मिलेगा तो मिलेगा। बड़े शनिवार को ज्यादा लंबा बोलने की अनुमति नहीं है, थोड़ा सा बोल के भागना पड़ता है क्योंकि भीड़ खड़ी रहती है पीछे। तो मैंने कहा मौका दूंगा, देखिए। उसने कहा स्वामी जी आप जानते हैं मेरे साइकिल पंक्चर होता, मेरा साइकिल पंक्चर होता था, पंक्चर बनाने के लिए तक मेरे पास पैसा नहीं था, ऐसा गरीब इंसान हूं मैं। लेकिन जब से मैं प्रभु में आया हूं उस समय से मेरे परिवार में इतनी प्रगति हो गई, मेरे पास ज्यादा जमीन नहीं है, थोड़ी सी जमीन है, लेकिन मैं अनाज बोता हूं तो बहुत मिलता है। लोग बोलते हैं कि बाबा के खेत में इतना अनाज कैसे होता है। बोलता है कि जब भी कटाई होती है, फसल काटी जाती है, मैं आश्रम में लेके आता हूं एक हिस्सा। जहां पवित्र आत्मा का अभिषेक है वहां पर आशीष पर आशीष होगी, चाहे वो बिजनेस हो कुछ भी हो, जहां हाथ लगाएंगे वहां पर आशीष होगी। तो हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता पवित्र आत्मा का अभिषेक है। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें मिलेगा सब कुछ बदल जाएगा। उदाहरण के लिए एक बहन यहां पे बैठी है, आप लोग नहीं जानते, मैं जान रहा हूं, मैं देख रहा हूं, उसका पति जेल में है और प्रभु मदद ना करें तो 20 साल तक जेल में रहेगा। लेकिन अगर वो इंसान प्रार्थना में बढ़कर अभिषेक से भर जाएगा तो जेल से पहले दौड़ के बाहर आ जाएगा, समय से पहले बाहर आ जाएगा। आप में से कई लोग जानते हैं, हमारे पीटर भाई यहां पे बैठे हैं, पीटर मेनन भाई जेल में थे लेकिन प्रभु ने समय से पहले निकाल दिया। अभिषेक होने से हमारे जीवन में आशीष पर आशीष मिलती है। तो हम पढ़ते हैं कि यूसुफ को प्रभु ने, यूसुफ के साथ प्रभु थे इसीलिए यूसुफ को सफलता मिलती थी। ये प्रभु के साथ रहना ही अभिषेक है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। वास्तव में अभिषेक क्या है? व्हाट इज अनॉइंटिंग? अभिषेक का मतलब प्रभु का आपके साथ रहना और ये आपका एहसास करना। पवित्र बाइबल में बार बार ये बताया गया है, कहा जाता है कि 366 बार लिखा गया, एक व्यक्ति ने किताब लिखी है, 366 बार प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, किताब मेरे पास है, उन्होंने मुझे भेंट स्वरूप दिया। तो 366 बार बताया गया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये सच्चाई है। लेकिन इस सच्चाई को जो अनुभव करता है वह अभिषिक्त व्यक्ति है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से अंतिम बार क्या कहा था? अंतिम मत्ती के अनुसार अंतिम प्रतिज्ञा क्या थी? याद रखो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, फुल स्टॉप, खड़ी पाई, सुसमाचार बंद। याद रखो, ये याद, ये स्मृति, ये एहसास
कि प्रभु मेरे साथ है, दैट इज अनॉइंटिंग, वही अभिषेक है। पूरी बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जहां कहीं भी प्रभु ने अपने लोगों को बुलाया, प्रभु ने यह कहा, इब्राहिम को बुलाया, इब्राहिम से कहा कि तुम्हें मैं आशीर्वाद बनाऊंगा, जो तुम्हें आशीर्वाद देगा उसे आशीर्वाद मिलेगा, जो तुम्हें अभिशाप देगा उसे अभिशाप मिलेगा। प्रभु ने मूसा से को बुलाया, निर्गमन अध्याय 3:12, मूसा को बुलाया और मूसा से क्या कहा, मूसा से कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यह अभिषेक, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और मूसा इस अभिषेक में बढ़ा, हर परिस्थिति में, कठिन से कठिन परिस्थिति में मूसा ने प्रभु के सानिध्य को ढूंढा, वो पहाड़ पर चढ़ा, वो महसूस किया कि प्रभु हमारे करीब हैं। लाल समुद्र पार कर रहे थे उस समय, लोगों ने मुड़कर देखा तो उनका दुश्मन फराउन अपनी सेना के साथ उनका पीछा कर रहा है। सभी लोग घबरा गए, कहा कि मूसा तुम हमको इस लाल समुद्र में मरने के लिए आए। मूसा ने कहा घबराओ मत, तुम देखोगे। मूसा ने एहसास किया कि प्रभु मेरे साथ है, इसलिए मूसा, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33:14-16, मूसा प्रभु से कहता है, प्रभु यदि आप हमारे साथ ना चलें तो हमें भी आगे जाने की अनुमति मत दीजिए, यदि आप हमारे साथ ना चलें, स्वयं हमारे साथ ना चलें तो हमें भी आगे जाने की अनुमति मत दीजिए। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, इफ योर प्रेजेंस डज नॉट गो विद अस, यानी यदि तुम्हारा सानिध्य हमारे साथ ना चले तो हमें आगे जाने मत दीजिए। यानी प्रभु का सानिध्य, उसकी शक्ति मूसा ने अनुभव किया था, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव किया था मूसा ने। छड़ी उठाया, पानी पर मारा, पानी दो भागों में विभाजित हो गया। इसलिए मूसा कहता है यदि तुम्हारा सानिध्य, तेरा सानिध्य हमारे साथ ना चले तो हमें आगे जाने की अनुमति मत दीजिए, हम नहीं जाएंगे, हम मरना चाहते हैं पे। पवित्र आत्मा के अभिषेक के बिना जीवन कैसा जीवन है, आई डोंट नो, कितना दुखदायक जीवन होगा। लेकिन पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ जीवन कितना सुखदायक जीवन होगा। आपके बगल में एक तस्वीर रखी गई है, कौन सी तस्वीर है वो, संत अल्फोंसा की तस्वीर। ये कम से कम समझता हूं कि 20 साल तक बीमार पड़ी रही। जब 3 महीना मैं अपने कमरे में बंद था, मुझे बहुत पीड़ा हो रही थी, अचानक मैंने याद किया बेचारी कितने महीने कितने साल पड़ी रही। 20 साल तक बीमार पड़ी रही तब भी इसके अंदर का अभिषेक मिटा नहीं, ये अभिषेक में बढ़ती गई। उस बीमारी की अवस्था में भी उसने महसूस किया कि प्रभु मेरे साथ है। ये एहसास ही पवित्र आत्मा का अभिषेक है। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1:5-9, योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1:5-9 में प्रभु योशुआ से कहता है, जिस तरह मैं मूसा के साथ उसी तरह मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जिस तरह मैं मूसा के साथ उसी तरह मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मेरी उपस्थिति तेरे साथ चलेगी। वचन में बार बार हमें पढ़ने को मिलता है यरमियाह अध्याय 1:8। मैं आपको कुछ चंद वचन सुना रहा हूं। यरमियाह अध्याय 1:8 में प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, डोंट वरी, चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यह प्रभु का वायदा है, प्रभु की प्रतिज्ञा है। उसी तरह विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31:6-8, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31:6-8, वहां पर मूसा अपनी जनता को बताते हैं मरने से पहले तुम घबराना नहीं, डरना नहीं, प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा। तो यह प्रभु का सानिध्य ही पवित्र आत्मा का अभिषेक है। प्रभु यीशु के शिष्यों ने पवित्र आत्मा के अभिषेक का एहसास किया। यौहन के सुसमाचार के अध्याय 14:17 में लिखा हुआ है, यौहन अध्याय 14:17 में
प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं जॉन चैप्टर 14:17, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं वह तुम्हारे अंदर है और तुम्हारे साथ है, कौन? पवित्र आत्मा। वो सत्य का आत्मा है, वो तुम्हारे साथ है और तुम्हारे अंदर है। तो पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर है। हम प्रभु के सानिध्य में इन दिनों रहेंगे, इन दिनों हम प्रभु के सानिध्य में रहेंगे। आप जहां कहीं भी जाएंगे, चलेंगे फिरेंगे, देखिए इस आश्रम में कई प्रकार की साधनाएं होती हैं, फादर्स सिस्टर्स और अन्य लोगों की भी साधना अंग्रेजी में होती है। उस साधना में मैं उनसे कहा करता हूं, आप इस समय से ये महसूस करें कि प्रभु आपके साथ है, आप प्रभु के सान्निध्य में चल रहे हैं। मैं उनको बात करने नहीं देता हूं, ना खाने के समय ना कहीं बात करने की कोई अनुमति नहीं है। टोटल साइलेंस, पूर्ण मौन। और आपके साथ चलने वाले, आपके साथ रहने वाले उस प्रभु का एहसास कीजिए और उनसे बात कीजिए। अगर इतना आप सीख गए हैं तो आप बहुत कुछ पाए। तो लोग बोलेंगे हम पागल तो नहीं हो जाएंगे? कोई बात नहीं, बगल में पागल खाना है, हम संभाल लेंगे। एक बार मैं चल रहा था अकेले, यहाँ चलता हूँ तो मैं अकेले चलता हूँ, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता हूँ, चुपचाप चलता हूँ। तो एक जवान लड़की ने कहा कि आप क्यों अकेले अकेले चलते हैं, कुछ बात भी किया कीजिए। मैंने कहा, किसने कहा मैं अकेले चल रहा हूँ? मैं कहाँ अकेले चल रहा हूँ, मेरे साथ मेरे प्रभु चल रहे हैं, मैं तो बात करते रहता हूँ, अधिकतर काम तो इसी तरह कर लेता हूँ, मेरी अधिकतर तैयारियाँ इसी तरह होती है। टेबल पर बैठ कर तैयारी करने वाला इंसान मैं नहीं हूँ, मेरी तैयारी इसी तरह होती है, खाना खाते समय तैयारी होती है, चलते फिरते समय तैयारी होती है। तो आपसे अनुरोध करूंगा आने वाले दिनों में इस साधना के दौरान प्रभु के सान्निध्य का एहसास कीजिए, ये विश्वास कीजिए कि प्रभु जिंदा है, प्रभु मेरे साथ हैं। और प्रभु के साथ चलिए ना, प्रभु से बात कीजिए ना, आप देखेंगे आपकी जिंदगी कितने सुंदर बन जाएगी। एक बहुत बड़े वक्ता हैं, आप जानते हैं, बेनी हिन, कनाडा के रहने वाले हैं। लेकिन पहले पहले जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उनको मिला था, हजारों लाखों की संख्या में उनके चारों ओर इकट्ठे होते थे। उन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं, एक किताब है गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा गुड मॉर्निंग, नमस्ते पवित्र आत्मा। वो लिखते हैं कि मैं हर समय महसूस करता हूं कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मुझे पवित्र आत्मा की आवाज सुनाई देती है। आज प्रभु यीशु हमारे साथ पवित्र आत्मा के द्वारा है। प्रभु यीशु हमारे साथ कैसे हैं? आत्मा में ना। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु शरीर में थे, आज प्रभु यीशु आत्मा में हमारे साथ है। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं और पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ चलता है, तुम्हारे अंदर है। तो प्रभु यीशु आज पवित्र आत्मा में हमारे साथ है। आने वाले दिनों में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं कि प्रभु की उपस्थिति का एहसास करना हो। उसके लिए पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। एक दो बहनें अभी मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको लिखना नहीं आता है। मैंने कहा लिखने कौन क्या उन बोला है लिखने के लिए? कौन बोला आपको लिखने के लिए? मत लिखिए, आत्मा में लिखिए, बस काफी है। आत्मा में लिखिए, वास्तव में वही तो बताया गया है कि नए विधान आत्मा में लिखा जा रहा है। पुराना विधान पाटी पे लिखा गया था मूसा के द्वारा, लेकिन नया विधान आत्मा में लिखा जा रहा है। आप देखेंगे आने वाले शनिवार को यहाँ पे पूरा भरा रहेगा, काफ़ी लोग आते हैं। और हमारी कई बहनें जो गांव में जाती हैं सुसमाचार का प्रसार करती हैं, वे बहनें अनपढ़ हैं, कभी स्कूल गई ही नहीं हैं, उनको लिखना पढ़ना आता नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा में प्रभु का वचन लिखा गया है।
विधिवरण ग्रंथ के अध्याय 6 में क्या लिखा हुआ है कि जो वचन मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, वाक्य 6 से लेकर जो वचन मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, अपने हृदय पर अंकित रखो। कहाँ पे अंकित रखना है? कहाँ पे अंकित रखना है? कापी में लिखिएगा। अच्छी बात है, जो लोग लिख सकते हैं कापी में लिखिए, जाके बाद में जाकर आप उसको पढ़ सकते हैं और फिर अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा कि अपने हृदय पर अंकित रखो। अच्छा, ये महसूस करने के लिए कि प्रभु हमारे साथ है, मेरे साथ है, कि आपको पढ़ने लिखने की जरूरत होती है? जरूरत होती है? कोई जरूरत नहीं होती है। आप ये महसूस करेंगे, चलेंगे फिरेंगे, खाना खाएंगे, जो भी करेंगे आनंद के साथ, ठीक है? दुख नहीं होना चाहिए, दुखी मतलब गड़बड़ है। आनंद के साथ ये महसूस करेंगे कि प्रभु मेरे साथ है और प्रभु आपसे बातें करेंगे। कभी बात सुनिए, कभी उनसे बोलिए जो आप मुझसे बोलना चाहते हैं। मेरे कमरे के सामने आके फलाने फादर के पास, उस भाई के पास, इस भाई के पास जाके बोलना चाहते हैं, वो प्रभु से बोलिए ना, मजा आएगा। मैं बहुत कम लोगों के पास जाता हूँ, मैं जो बोलता हूँ प्रभु के सामने बोलता हूँ, प्रभु ऐसे ऐसी 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 बात है। और कुछ समय के बाद प्रभु जवाब भी दे देंगे आपको, अच्छा खासा जवाब। कभी कभी मैं बोलता हूँ प्रभु ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूँ, उसको जाके डांटूँ, बोलता है नहीं चुप, अभी तुम मौन रहना, बस सब मैं संभाल लूँगा, तुम मौन रह, मैं संभाल लूँगा। तो प्रभु की उपस्थिति ही पवित्र आत्मा का अभिषेक है। और आने वाले दिनों में इस उपस्थिति का अनुभव कीजिए, प्रभु आपको सामर्थ्य से भर देंगे, प्रभु आपको शक्ति से भर देंगे। आप पढ़ेंगे एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 37 वाक्य 14। एजेकियल अध्याय 37 वाक्य 14 में क्या लिखा हुआ है? प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में बस मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। हमें पवित्र आत्मा मिलने पर हमें जीवन आ जाएगा। ईश्वर ने आदम को मिट्टी से गढ़ा और उसके नथनों में अपने प्राण वायु फूका और वो सजीव तत्व बन गया, वचन में लिखा हुआ है। वो मिट्टी का पुतला, जब प्राण वायु ईश्वर ने उसके अंदर फूका, वो सजीव तत्व बन गया। हाथ पैर चलने लगे, हाथ मुंह चलने लगा, देखने लगा, चलने फिरने लगा, सोचने लगा। बहुत सुंदर प्रतीक है। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको मिलेगा, यही होगा, आप सजीव तत्व बन जाएंगे। प्रार्थना कीजिए पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, इसके लिए प्रार्थना कीजिए, आप सजीव तत्व बन जाएंगे, आपके अंदर जीवन आ जाएगा, आपकी निर्जीवता बदल जाएगी। मेरे पैर टूटे हुए थे, एक महीने में मैं मंच पे आ गया, उसे पहले आ गया ना, उसे पहले आ गया, व्हील चेयर पर बैठकर उसे पहले आ गया। मैंने कहा मेरा पैर टूटा है, टांग टूटी है, मैं थोड़ी टूटा हूं, मेरी टांग टूटी है, मैं नहीं टूटा हूं। हमारी समस्या जब टांग टूटती है तो हम भी टूट जाते हैं। अरे टांग ना टूटी है, तू क्या टूट रही है? तेरा प्रभु तेरे साथ है। तो प्रभु की उपस्थिति में रहिए मेरे भाई और बहनों, इन दिनों प्रभु की उपस्थिति पवित्र आत्मा का अभिषेक है, और प्रभु की उपस्थिति पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके अंदर सामर्थ्य से भरेगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 1:8 बहुत सुंदर वचन है, आप बार बार सुने हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 1:8 एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 1:8 प्रभु येसु क्या कहते हैं? जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा, जब तुम्हें अभिषेक मिलेगा तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। सैमुअल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 में, 1 Samuel chapter 16 दाऊद को अभिषेक मिला, पवित्र आत्मा का अभिषेक। अगले अध्याय में वाक्य 17 में वो दाऊद छोटा लड़का जाकर एक बहुत बड़े वीर योद्धा गोलियत को मार गिराता है एक चिकने पत्थर के सहारे। ये अभिषेक का सामर्थ्य है। अगर आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा, कुछ भी हो आपके जीवन में,
आपके अंदर जीवन आ जाएगा, आप टूटेंगे नहीं, आप मजबूत होंगे। इन दिनों पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए और प्रभु की उपस्थिति में रहिए। चलते फिरते समय इधर उधर बात ज़्यादा मत कीजिए। ये जो मुंह है बहुत ज़्यादा फटा हुआ है, इसको तो छोटा करना चाहिए था प्रभु को। इतना फटा हुआ है कि इतनी आवाज़ होती रहती है, अनावश्यक बातें बोलते रहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, तब भी हम बोलते रहते हैं। हम पवित्र आत्मा से बात करें, प्रभु की उपस्थिति में रहें, उपस्थिति में प्रभु के साथ बात करें, प्रभु के उपस्थिति में आनंद मनाएं, प्रभु की स्तुति करें। बराबर यहाँ पर बराबर स्तुति की जाती है। आपसे अनुरोध करूँगा जोर से मुंह खोल कर स्तुति करना, ठीक है ना। हाँ, कुछ लोगों को डर लगता है ऊपर करने को, इतना कर दें, इतना नहीं, पूरा खुल के स्वतंत्र होकर, ठीक है ना, और मुंह खोल कर। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति, हालेलुया हालेलुया, ऊँची आवाज़ में स्वतंत्र होकर स्तुति करना। जब आप स्वतंत्र होकर स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, आपके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक आ जाएगा। इसका ख्याल करना, बिल्कुल स्वतंत्र हो जाइए। आने वाले दिनों में स्वतंत्र होकर प्रभु के सानिध्य का अनुभव करते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए जीवन जिएंगे। जो लोग रोज भी बोल सकते हैं बराबर रोज भी बोलेंगे, चलते फिरते समय हर समय। आइए हम प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए। हमारी आवश्यकता है पवित्र आत्मा का अभिषेक, और मैंने आपको बताया पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु का सानिध्य है, प्रभु की उपस्थिति है। अपने हृदय को खोलिए इस समय, प्रभु से बोलिए कि प्रभु मैं तेरा अभिषेक चाहता हूँ, मुझे तेरे अभिषेक की जरूरत है। प्रभु मैं टूटा हूँ, मैं अशांत हूँ, मैं बेचैन हूँ, मैं परेशान रहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्रलोभन का शिकार बनता हूँ, मेरे अंदर आत्म संयम नहीं है, मैं नियंत्रित नहीं हो पाता हूँ, मैं रोते रहता हूँ, मैं परेशान रहता हूँ। पवित्र आत्मा मुझे तेरी ज़रूरत है, तेरे अभिषेक की ज़रूरत है।